नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट एमसीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आप सब देख रहे हैं सिलसिला बाजारों का। आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है। देखेंगे कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है और उस पर रूपाजी की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कम्युनिटी बाजार से शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो आज देख रहे हैं कि सोना इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $1758 पर है स्पॉट मार्केट में, और सिल्वर $22 पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है एक फीसदी की तेजी के साथ। देख रहे हैं कि सोना चांदी आज भी निचले लेवल्स पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं निचले स्तर सोना चांदी में, ये फेड की तरफ से जो बयान निकल के सामने आए हैं उसकी वजह से देखने को मिल रहे हैं। अभी हाल ही में फेडरल रिजर्व बैंक की बैठक हुई थी, जिसमें फेडरल की बैंक की तरफ से ये निर्णय निकल के सामने आया था कि जो ब्याज दरें हैं वो उन पर आने वाले समय में, यानी कि कुछ ही दिनों में, बहुत ही जल्द कुछ घटबढ़ करता हुआ नजर आ सकता है, जिसकी वजह से सोना चांदी की जो कीमतें हैं उन पर एक प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ सकता है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स थे, जो निवेशक थे, उन वो काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गए हैं और उसकी वजह से सोना चांदी में कम निवेश देखने को मिल रहा है। इक्विटी मार्केट ज़्यादा उछलता हुआ नज़र आ रहा है कंपेयर टू गोल्ड कमोडिटी मार्केट के। बात करें यहाँ से अगर कच्चे तेल की, तो देख रहे हैं कि WTI $74 पर 1.25% की तेजी के साथ और ब्रेंट क्रूड ऑयल $78 पर 1.25% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज कच्चे तेल की जो कीमतें हैं हफ्ते के पहले कारोबार दिन सोमवार के दिन भी अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार करती हुई नज़र आ रही हैं। दरअसल कच्चे तेल की जो सप्लाई है अमेरिका के अंदर वो कम देखने को मिल रही है, इन्वेंट्रीज में थोड़ी कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनमें अभी हाल फिलहाल में तेजी बनी रह सकती है और अभी भी देखने को मिल रही है। जानकारों के अनुसार अभी जो कच्चे तेल में जो बढ़त है कुछ समय के लिए अभी और जारी रह सकती है। बात करें बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि MCX, जिंक, निकल और लेड मिले जुले रुझान के साथ है, ना ज़्यादा तेजी है ना ज़्यादा नरमी है। और कॉपर की बात करें तो कॉपर $4.2 पर कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज किस नॉन एग्री कम्युनिटी में क्या करके चलन सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी देख रहे हैं कि आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन भी गोल्ड और सिल्वर के अंदर वही पहले वाले लेवल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं जिन पर क्लोजिंग होती हुई नजर आई थी। अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से सोने चांदी में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भी वही लेवल्स देखने को मिले हैं पहले वाले, तो क्या यहाँ से गिरावट गहराएगी या फिर यहाँ पे एक रेंज बाउंड देखने को मिलेगा? देखिए अभी फिलहाल एक रेंज बाउंड बनता हुआ ही दिखाई दे रहा है, अभी कोई बहुत ज्यादा ना तो मंदी है और ना ही तेजी है। 45,000 से लेकर 48,000 की रेंज में अभी कुछ समय तक सोना घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। आगे दिवाली के चलते थोड़ा बहुत डिमांड पिकअप हो सकती है इन स्तरों पर, तो फिलहाल निचले स्तरों पर खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जब तक $1800 के नीचे सस्टेन कर रहा है तब तक रेंज जो है वो $1740 से लेकर 1780 से लेकर 1800 तक बाजार घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आज इंटरडे में हो सकता है 100 से 200 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिले, वहां पर खरीदारी करके चलना चाहिए। 45,800 के आसपास आए तो वहां पर बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। सेम एज इट इज चांदी में भी गिरावट आई है, 60,000 रुपए के नीचे चांदी देखने को मिल रही है, थोड़ा बहुत डिप आती है तो वहां पर चांदी के अंदर भी खरीदारी करके चला जा सकता है। आगे फेस्टिवल सीजन के चलते, दिवाली के चलते डिमांड पिकअप हो सकती है और प्राइसेस में एक बूस्ट देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, यहाँ से देख रहे हैं कि कच्चे तेल के अंदर भी काफी अच्छी खासी बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। देख रहे हैं कि WTI और ब्रेंट क्रूड ऑयल दोनों ही काफी अच्छे खासे लेवल्स पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट में भी तेजी देखने को मिल रही है, US के अंदर इन्वेंट्रीज में डाउनफॉल देखने को मिला है और जो OPEC की बैठक हुई थी उसमें निर्णय निकल कर सामने आया था कि 2022 में जो डिमांड है वो और अच्छी देखने को मिल पाएगी, तो रूपा जी अब आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से कच्चे तेल में एक बार फिर से तेजी का दौर देखने को मिलेगा या फिर यहाँ से इन्वेंट्रीज दोबारा संभलती हुई नजर आ जाएंगी? देखिए फिलहाल कच्चे तेल में तेजी का ही दौर है और यहाँ से जिस तरीके के सिनेरियो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो फंडामेंटल है वो अब काफी सपोर्टिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके चलते कच्चे तेल में तेजी बनी हुई है और अभी ये कंटिन्यूशन में रह सकती है। और अभी जिस तरीके से सप्लाई डिस्टर्ब देखने को मिल रही है और उसके बाद डिमांड भी अच्छी खासी पिकअप हो रही है, इन्वेंट्रीज लगातार गिर रही है, तो अभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो काफी पॉजिटिव ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी मुझे लगता है कि जो भारतीय बाजारों की अगर हम बात करें तो जो कच्चा तेल $5500 के नीचे कारोबार करता दिखाई दे रहा है, जल्द ही मुझे लगता है कि $5500 के ऊपर निकलेगा और इनफैक्ट आज
इनफैक्ट हमने देख लिया उसको 5500 के ऊपर, 5600 से लेकर 5620 तक का अक्टूबर वायदा देखने को मिल सकता है। तो कल की जो पिछले हफ्ते की क्लोजिंग थी वो 5500 के नीचे थी, आज बाजारों की शुरुआत 5500 के ऊपर हुई है, तो अब 5600 साढ़े 5600 इस वीक में ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जी। तो यानी कि कच्चे तेल में अभी बढ़त देखने को और मिल सकती है। रूपा जी बात करें बेस मेटल्स की, तो देख रहे हैं कि आज मिला जुले रुझान के साथ खुलते हुए नजर आ रहा है, तो अब आपको क्या लगता है ये कारोबारी सप्ताह बेस मेटल्स के लिए कैसा साबित हो सकता है? देखिए बेस मेटल्स में भी तेजी का ही दौर है। जिंक देखिए आप 262 का जो हमारा टारगेट था वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, आज हमने इसको 261.45 रुपए का हाई लगते हुए जिंक में देखा है। कॉपर में भी तेजी आई है, वापसी से 718 के आसपास कॉपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, कॉपर अब 740 तक जा सकता है। वही जिंक की बात करें तो नीचे में 258 से लेकर ऊपर में 262 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आती है तो 265 तक अपसाइड मोमेंटम पकड़ सकता है। रूपा जी जानना चाहेंगे आपसे वो कौन सी नॉन एग्री कमोडिटीज रहेंगी जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए अगर आज इंट्राडे की बात करें तो मुझे लगता है कि आज इंट्राडे के अंदर एक तो कच्चे तेल में आज खरीदारी करके चला जा सकता है, वहीं आज एक्सपेक्टेड है कि सोना भी थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें इंट्राडे की बात करें तो 46200 के ऊपर निकलता है तो 46400 तक एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है जी। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, नमस्कार।